रात दिन रोड पे बैठी रही हूँ, कोई कोरोना नहीं है, सब मोदी जी का चाल है। मास्क वास्क ये दिनों गुजरा कोरोना उठाएगा मार दे। जैसे कोरोना का रे वहाँ बलो सजार है, दवाई लगा देता है, सुई लगाता है कहता कोरोना है, आ कोरोना रहता नहीं है ना, उसको सुई लगा कर मार देता है, दिल कलेजी निकाल लेता है। अच्छा, और क्या करता है? मास्क किस लिए भैया? कोरोना खत्म हो गया क्या? हो गया भैया, खत्म हो गया कोरोना, खत्म हो गया। अच्छा, था ही नहीं है कोरोना। तस्वीरें गवाह हैं कि कोरोना को लेकर दुखने बेफिक्र हैं या फिर लापरवाह हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है। मानो ऐसा लग रहा है देश में कोरोना ख़त्म हो गया है या फिर कोरोना की वैक्सीन आने से लोग लापरवाह हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली से सटे नोएडा में। ये नोएडा का हरोला गांव है जहां पर अभी इस वक्त हम मौजूद हैं, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कोरोना महामारी को लेकर कितनी जागरूकता है या फिर कितनी लापरवाही है। 2019 में आया ये कोरोना वायरस, जिसने 2020 में पूरे देश भर को लॉकडाउन कर दिया, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, और 2021 में जब इसकी वैक्सीन आई तो लोग धीरे धीरे इस बीमारी को भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वैक्सीन के आने से लोगों के अंदर लापरवाही दिख रही है या फिर लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस देश से दुनिया से जा चुका है, जिसके कारण ये लोग लापरवाह हो रहे हैं। यहाँ पे हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर हरोला, नोएडा के हरोला गांव में। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लोगों के दिल से कोरोना का डर ख़त्म होता जा रहा है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क तो है, कहाँ है मास्क आपका? मास्क ये रहा। मास्क आपने लगा क्यों नहीं रखा है? लगाया नहीं है, थोड़ा कान पर हल्का सा कट गया इसलिए नहीं लगाया है। अच्छा, हाँ ये कोरोना वायरस ख़त्म हो गया क्या? कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है, चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ। जैसे कोरोना का रे वहाँ बलो सजार है, दवाई लगा देता है, सुई लगाता कहता कोरोना है, आ कोरोना रहता नहीं है ना, उसको सुई लगा कर मार देता है, दिल कलेजी निकाल लेता है। अच्छा, और क्या करता है? आप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? हम आरोप लगा रहे हैं इसलिए कि हम देखे हैं टीवी पर, मोबाइल पर, सब चीज देखे हैं। कौन सी टीवी पर देखे? देखे मोबाइल पर भी देखे हैं, दिल कलेजी निकाल कर नीचे फेंक देता है, उसको निकाल लेता है, और क्या है, हम लोग को भूखे मार रहा है, ड्यूटी नौकरी भी छोड़ छोड़ करके बैठे हैं लोग, इतना आदमी। मास्क है राजकुमार है। अरे थमो तो सही, रुको। हाँ भैया, मास्क किस लिए भैया? कोरोना खत्म हो गया क्या? हो गया भैया, खत्म हो गया कोरोना, खत्म हो गया। अच्छा, कब था ही नहीं है? था ही नहीं कोरोना, कोरोना था नहीं, था ही नहीं। बड़े गजब के भैया है, बोल रहे हैं भैया कोरोना था ही नहीं, कोरोना जा चुका है। कोरोना अच्छा, जा चुका है। अगर आप संक्रमित हो गए तो फिर जब कुछ होगा, जब ही तो संक्रमित होंगे, जब है ही नहीं कोई चीज तो कैसे हो जाएंगे? है नहीं कतई भी, कतई ना, हमारे गांव में बिल्कुल खत्म है। अप्रैल कर रहा है, रात दिन रोड पे बैठी रही हूं, कोई कोरोना नहीं है, सब मोदी जी का चाल है। अच्छा, सब मोदी जी का चाल है, कोरोना नहीं है? कोरोना कोई कोरोना नहीं है, हम लोग तो रात दिन रोड पर सब कुछ रोड पर किया, कोई कोरोना कोई बीमारी यहाँ कुछ पाए नहीं गया। हाँ, मास्क वास्क ये दिनों गुजरा कोरोना उठाएगा मार देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बिल्कुल भी बेफिक्र, बिल्कुल ही बेफिक्र नजर आ रहे हैं। इनको कोरोना का किसी प्रकार का डर नहीं है, इनके हिसाब से कोरोना इस देश से जा चुका है, कोरोना कभी था ही नहीं, कोरोना एक वहम था। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर सामने आ रही है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनमें से एक भी बच्चे ने यहाँ पर मास्क नहीं लगा रखा है। मास्क है छोटू तुम्हारा? घर पे है, घर पे है, घर पे है। तो दुकान पर बैठे हुए डर नहीं लगता कोरोना वायरस से? नहीं, कोरोना वायरस खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ। और क्या? अच्छा, कैसे खत्म हो गया हमें नहीं पता। अच्छा, आपका मास्क है? मास्क रखे हैं जेब में। जेब में रखने के लिए मास्क लिया हुआ है आपने? सेफ्टी के लिए। ये जेब में रख के सेफ्टी, कौन सी सेफ्टी होती है? अगर बाहर बाहर चले गए तो पुलिस वाले देख लेंगे, पुलिस वाले तो खुद ही नहीं लगाते। अच्छा, तो पुलिस से बचने के लिए आप लोग मास्क लगाते हैं? क्या पुलिस वाले डंडा चार्ज करना शुरू कर देंगे ना। अच्छा, तो देख सकते हैं आप इन बच्चों की बातों को, इन बच्चों की मानसिकता वही है कि भैया कोरोना वायरस जो है खत्म हो गया है, और इन्होंने ये भी बोला कि मास्क हम सिर्फ पुलिस से बचने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनमें से किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगा रखा है। मेरे पास ऐसा लगा क्यों नहीं रखा है आपने मास्क? चाय पीने के नहीं है, बीड़ी पी रहा हूँ।
अच्छा, फिर भैया भैया चाय वाले भैया हैं, चाय वाले भैया अपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? ऐसे ही ऐसे ही कोरोना खत्म हो गया यहाँ पे तो है फिलहाल, खत्म खत्म हो गया यहाँ पे जो किसी ने नहीं लगा रखा है भाई। अच्छा, तो मतलब किसी ने नहीं लगा रखा तो आपको भी डर नहीं है? डर किस चीज का? तो मोदी जी जो अपील कर रहे हैं लोगों से अभी भी मास्क लगाने की और कोरोना से बचाव के उपाय रखने करने की, वो गलत कर रहे हैं? वो सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने लगा नहीं रखा तो हमने भी नहीं लगा रखा। अच्छा, मास्क अभी धुल दिया है ये मास्क। अच्छा, धुल दिया है आपने मास्क जी? अच्छा, तो एक ही मास्क है आपके पास? नहीं नहीं, मैं मास्क यूज करता हूँ लेकिन अभी धुल दिया हूँ अभी मैं जस्ट। अच्छा, तो देश में दोबारा से एक बार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अगर इस तरीके से हम लोग लापरवाही बड़े करेंगे तो अगर दोबारा से लॉकडाउन हो गया फिर? नहीं, इसके लिए सतर्क रहना चाहिए आदमी को। तो बिना मास्क लगाए हम कैसे सतर्क रहेंगे? इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आइंदा दिन से ऐसे गलती नहीं करूँगा। क्यों नहीं रखा है आपने? अभी लगाऊंगा। कब लगाएंगे भैया? दुकानदारी कर रहे हैं, मास्क जरूरी नहीं है? मास्क जरूरी है, दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो दो गज की दूरी तो नजर आ रही है लेकिन मास्क नजर नहीं आ रहा। मास्क है अभी लगाया नहीं, सांस फूल जाता है। अच्छा, मास्क तो हर हाल में लगाना जरूरी, जब तक कोरोना है जब तक मास्क जरूरी। तो वही तो हम कह रहे हैं, मास्क तो जरूरी है लेकिन यहाँ रखे हुआ मास्क तो पूरे भरा हुआ है, बिना मास्क के तो गुजारा ही नहीं। ज्यादा भीड़ भाड़ होता है तो मास्क अनिवार्य। अच्छा, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ हो तो ही मास्क लगाना चाहिए? नहीं तो एक स्वस्थ आदमी को एकदम एनी टाइम मास्क लगाना भी जरूरी नहीं है, जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ लगाइए। अच्छा, आपका जेब में क्यों लेके रख रखे हैं, लगाया क्यों नहीं है? पेशाब करने जा रहा था। तो पेशाब करने जा रहे थे, रोड पे जा रहे हो ना, मास्क लगाना जरूरी नहीं है? लगा लिया बस। भैया मास्क कहाँ है आपका? जी मास्क कहाँ है आपका? लाना भूल गया। लाना भूल गए क्यों भैया? आ रहा ना, हाथ धो आ रहा था। कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं तो नहीं खत्म हुआ ना, तो मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे वो लाला बोल गया, कह तो रहा हूँ। तो मास्क अब तो यार इतना समय हो गया लोगों को मास्क लगाते हुए, अब तो मतलब मास्क जैसी चीज कोई भूलने वाली है? सही बात है। वीडियो बना रहा हो क्या? मास्क है अंकल आपका? मास्क है। तो मास्क लगा क्यों नहीं रखा है आपने? अरे 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 अंकल, सॉरी भैया। माइक क्यों हटा रहे? मास्क क्यों नहीं लगाया था आपने? मास्क भूल गया, मैं पानी पिया था अभी। तो लोगों की बातचीत आपने सुनी, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस है ही नहीं, कुछ लोगों ने तो कैमरे को देखने के बाद मास्क लगाया और कुछ महिलाएं तो इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं कि वैक्सीन के बहाने लोगों के अंग निकाले जा रहे हैं। तो ये आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, शायद से यही कारण है कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये कारण हो भी सकता है कि इसके वजह से देश भर को एक बार दोबारा से लॉकडाउन 2.0 का सामना करना पड़े। टेन न्यूज़ के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, नोएडा।